नशीली डायनासोर। ओके, अब क्या करना है केक? तू अगला लक्ष्य तैयार कर, मैं लाता हूँ पेट्रोल। ठीक है। ओ चुटकू, रुको मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। कितना नन्ना सा प्यारा सा बच्चा है। कहिए आपको क्या? हेलो हेलो। हे, तो आप यहाँ हैं? मुझे सिर्फ एक सोडा चाहिए। तुम्हारे जैसे डेढ़ फुटिया के लिए ये सोडा कुछ बड़ा नहीं है। हे, मुझे कोई भी डेढ़ फुटिया नहीं कहता। ठीक है तुम तो बुरा मान गए भाई। मैं तंग आ गया हूँ गंधर, डेढ़ फुटिया नाम सुनते सुनते पक गया हूँ मैं। एक ना एक दिन मैं ये सब बदल डालूंगा। ओ, ये प्यारा सा नन्ना सा पिद्दी तुम्हारा भाई है? आप इसे पिद्दी मत बुलाइए। कितना प्यारा है, देखना अब ये प्यारा बच्चा क्या करता है। कैसा लगा ये प्यारा बच्चा? ये काफी बढ़िया था। क्या मैं नया निशाना तैयार करूं? सोडा और लाना होगा। हेलो, मेरा नाम रोडी रैमिंगटन है। तुम जिसने हेलमेट पहना है तुम ही तो हो जिसके मुझे तलाश थी। मैंने अभी मैलोब्रू फुटबॉल क्लब खरीदा है और मैं हाफ टाइम शो के लिए टैलेंट ढूंढ रहा हूँ। अपने शो के लिए कलाबास, मुझे क्या करना होगा? तुम होने वाले हो मशहूर। मशहूर? मशहूर? मैं मशहूर होने वाला हूँ। हेलो, तुम्हारे दोस्त को क्या हो गया है? वो ख्यालों में खोया है। कहाँ साइन करना होगा? एक मिनट, मैं जरा पढ़ लूँ। मैं जो कहूँगा वो सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। या साइन कर दो। राउडी, मेरा दोस्त, तुम्हारा मेकअप रूम वाकई शानदार है। लेकिन अच्छा होगा मीठे अंगूर की जगह अनानास रखा जाए, क्योंकि केक को काटे वाले फली अच्छे लगते हैं। ठीक है, वो सब मुझ पर छोड़ दो, लेकिन ये बंदा केक है कहाँ? किसी ने मुझे याद किया। तो तुम तैयार हो? हम बस एक आखिरी बात पूछना चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं केक अपना 500 फीट वाला केक फ्लिक करे या पूरे 1000 फीट वाला? बताओ। तुम लोग जो करो। परफेक्ट। ये झींगा लिंगा क्या है? ये है तुम्हारा झींगा पहनावा भाई, कहना पड़ेगा। जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा है। झींगे पहनावे के लिए पूरे मैलोब्रुक में तुम्हारा जैसा डेढ़ फुट का कोई नहीं। ये तुम्हारी सोच है, मेरी नहीं। इसे मैं घर ले जाऊंगा। ये बड़ा क्यूट है। झींगे के अंदर एक और झींगा है। चुप हो जाओ। मैं कोई झींगा लिंगा नहीं हूँ और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो मिस्टर? तुमने हाफ टाइम धांसु शो के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया, ये देखो। हाँ, ठीक है, तो फिर बीच के वक्त में मिलेंगे। ठीक, तुम क्या करने वाले हो? उसको धांसु शो चाहिए, मैं दूंगा। शो शुरू होने वाला है, झींगा शो में धूम मचा देगा। लेडीज एंड जेंटलमैन और प्यारे झींगा बिरयानी के दीवानों, आपकी सांसें ऊपर की ऊपर रह जाएंगे और नीचे की नीचे। तो दोस्तों, पेश करता हूँ केक बटाउस्की, धूम मचा दे और केक का सोरस रैक्स। ये क्या बकवास कर रहे हो?
ये है किक बटोस्की का कमाल। ऑसम इतनी सारी करें कहां से आ गई? मुझे मिल गई। क्या बात है, बज गई घंटी। अरे नहीं, ये सब हो क्या रहा है? हे किक, अगर तुम यहाँ हो तो रेक्स को कौन चला रहा है? वो तो मेरी कार है। ये क्या किया? लगता है स्कोर बोर्ड ने रेक्स के दिमाग में जान डाल दी है। मैं उसे रोकूंगा लेकिन अपने तरीके से। हे गंधर्व, उसका ध्यान उलझा, मैं उसको सुलझाता हूँ। तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें घर वापस बुलाया है। ये पूछ रहा है इसके मम्मा कहाँ है कि बताओ अब क्या करूँ? कबाड़ की दुकान पीछे मोड़। सही कहा गंधर्व, मुझे कुछ करना होगा, वो भी जल्दी। हमें झींगा मामा चाहिए, हमें झींगा मामा चाहिए, झींगा मामा। हे, बहुत खूब, क्यूट लगते हो। क्या कहा था मैंने, धूम मचाएगा झींगा मामा। खानदान।
सबसे पहली बात रैप की मरम्मत करके रखो। और दूसरी बात, हमेशा पैराशूट लेके उड़ो। माँ पिताजी जल्दी करो, खाने का वक्त हो गया है। सब ठीक है अंकल? हाँ बेटा, आखिर पेट के लिए सब कुछ करना ही पड़ता है। सबको करना पड़ता है, इसकी जरूरत नहीं, मैं तो वही खाऊंगा मेरा पसंदीदा। जल्दी लाओ। एग वेजिटेबल सूप। ये तो बहुत औसम लगता है। अच्छा हुआ मैं यहाँ पहले आ गया। अब यहाँ कोई नहीं आता, ना कोई ग्राहक, ना पैसा, कुछ भी नहीं। हमारी मेहनत बेकार हो जाती है। क्या कहा, इससे बढ़िया खाना कहाँ मिलेगा? मैग्नस, गंथर को बता दो जो बताना है। बताना है? क्या बताना है? हमें ये रेस्टोरेंट बंद करना होगा। मुझे अफसोस है, हमें सब कुछ बेचकर गांव जाना पड़ेगा। क्या? मेलोब्रुक को छोड़ दो? किक को छोड़ दो? अब मैं अपने खास दोस्त के बगैर क्या करूंगा? पक्का है ना मुझे कुछ नहीं होगा? हाँ हाँ, हमारे गांव में रोज करते हैं। तेरे बिना मैं कैसे जीऊंगा मेरे गोलू मोलू गंथर? नीचे सब तैयार है ना गंथर? फिकर मत करो, केक मैं पकड़ लूंगा। दोस्त हो तो हमारे जैसा हो। हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। रुक जाओ, गंथर कहीं नहीं जाएगा। और ना ही ये जगह बंद होने वाली है। किक के अलावा ये किसी और के साथ करतब नहीं करेगा। कुछ नहीं हो सकता, हमारे पास सिर्फ 2 दिन का वक्त है। 2 दिन में दुनिया इधर से उधर हो जाती है, दुनिया हिला दूंगा। मगर कैसे? मुझे नहीं पता। मैं खोलता हूँ। तरकीब मिल गई। आजकल लोगों को होटल में खाना खाने के अलावा कुछ और भी चाहिए, वो भी कुछ ऑसम, कुछ हटके। हम कुछ हटके कहाँ से लाएं? हमारे पास तो पुराने हथियार हैं, मशाल है, लोहे के कवच हैं, और ये कुल्हाड़ी है। सही कहा, उन्हें कुछ ऑसम चाहिए। और समुद्री डाकू से हटके और क्या होगा? क्या यार, अपने असली रूप में रहो और वही बढ़िया चीजें लाओ जो आपके जंगली खानदान में होती हैं। तुम्हें क्या लगता है हम जंगली हैं? इसकी पूरी बात तो सुन लो मैग्नस। भरोसा कीजिए, ये तरकीब है किक बटॉस्की की। दिन यादगार है क्योंकि आज बहुत सारे लोग आने वाले हैं खाना खाने के लिए, और इस जगह का नाम है बैटल स्नैक्स। आखिर आ ही गया एक ग्राहक। कैसे हो? मेरी बूढ़ी गाय भूखी है, इसके लिए कोई चारा वारा है? यहाँ से दूसरी गली। एक और ग्राहक। क्या आप यहाँ पतलून वगैरह बेचते हैं? यहाँ से चौथी गली। यही है ना बैंक? कोई और उपाय सोचो केक। इतने से काम नहीं बनेगा, कुछ और भी चाहिए। उनको चाहिए कुछ ऑसम। पुराने जमाने में योद्धाओं को कम दाम में मजेदार और प्रोटीन वाला खाना चाहिए होता था, तब वो पहले लड़ा करते थे। खाने के साथ नाटक भी वाह क्या बात है।
कितना नन्ना सा प्यारा सा रेस्टोरेंट है। नहीं मजे लेकर खाइए, लगता है मुझे उल्टी होने वाली है। तुम्हारी तरकीब काम नहीं आई, तुमने जो कहा हमने सब किया। हमें गांव जाना ही पड़ेगा, जहां अपना ही खाना खाने के लिए लड़ना पड़ता है। काश बैकल स्नैक्स में लोगों की भीड़ होती। ये लो, इसे देखकर मुझे याद कर लेना। मेरे गोलू मोलू दोस्त, मुझे माफ कर दे, मैं हार गया। क्या कहा? सुना था तुम कभी हार नहीं मानते। तुम्हारा नाम किक बटाउस्की है। सही कहा, मैं हूँ किक बटाउस्की और किक बटाउस्की कभी नहीं हारता। सब लोग वापस चलो, वहाँ पर बैटल स्नैक्स को भीड़ की जरूरत है और ये काम करेगा किक बटाउस्की। पर कैसे करोगे? मुझे नहीं पता, अब आएगा मजा। ले जाओ। क्या बात है, मैं हूँ किक बटाउस्की, इसे ले जाने की हिम्मत है किसकी? और अगर किसी को मिशेल और क्रिस की शादी पर एतराज है तो वो सामने आए, नहीं तो वो तुम्हारी दुल्हन लेकर भाग गया। पकड़ो उसे। अपने फेफड़ों में शांति को भर लो और चिंता से मुक्त हो जाओ। धीरे से ए, उसे पकड़ो ना। ये फौरन काम शुरू करना होगा। कांतर अंकल, दरवाजे पे। आंटी लाइए सूप और आप लाइए पंखा। जल्दी करो केक, ये लोग दरवाजा तोड़ देंगे। 15 रखना, रुको, 1 सेकंड रुको, खोल दो। वाह, क्या सूप है, क्या खाना है। कमाल का टेस्ट है और कितना सस्ता। ये सूप पीकर ने मेरे फेफड़े को कितनी शांति मिली है। मैं आज से सुबह दोपहर रात को यही खाने वाला हूँ। इस रेस्टोरेंट के अलावा मैं कहीं और नहीं खाऊंगा। कमाल कर दिया केक। मुझे लगता है अब हमें गांव वापस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। काम अभी खत्म नहीं हुआ आंटी। आपका स्वागत है मेलो ग्रुप वासियों, आज हमने बैटल स्नैक्स को बचा लिया। अब हम बनाएंगे एक और रेस्टोरेंट। बज गए घंटे। आधे इधर जाएंगे और आधे उधर। अब तो हमारे पैसे भी दुगने हो जाएंगे। सही बोले अंकल, अब होगी पैसों की बरसात। जब पैसा ना हो पास तब मेला लगे कितना उदास।